नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की जा रही है। वहीं देश में तीसरी लहर भी दस्तक देने वाली है। राज्य सरकारें टीकाकरण अभियान भी तेजी के साथ चला रही है, लेकिन जिस हिसाब से देश की जनसंख्या है उस हिसाब से टीकाकरण अभियान को 100% पूरा होने में लंबा वक्त लग सकता है। और इसी बीच आज से कई राज्यों में स्कूलों को भी खोल दिया गया है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने भी फैसला लिया है कि 16 अगस्त से 50% क्षमता के साथ स्कूल खोले जाएंगे। ये फैसला उस समय आया है जब 18 साल से कम आयु के लोगों का वैक्सीनेशन इस वक्त नहीं हो रहा है। क्या सरकार का ये फैसला सही है या फिर कहीं ये फैसला बड़ी भूल ना साबित हो जाए, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी खास रिपोर्ट देखें। देश में कोरोना की दूसरी लहर थम चुकी है, वहीं कोरोना की तीसरी लहर ने भी दस्तक दे दी है। केरल समेत महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं यूपी में कोरोना के मामलों में तेजी से कमी आई है। वहीं अब उत्तर प्रदेश में 50% उपस्थिति के साथ स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। यूपी के स्कूल भी कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ 16 अगस्त से खुलेंगे। बता दें कि देश के कई राज्यों में 2 अगस्त से स्कूल खोले जा चुके हैं। स्कूल खोलने को लेकर लोक भवन में सीएम योगी के साथ बैठक हो चुकी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में सभी स्कूल कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ खोले जाएंगे। छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क पहनना अनिवार्य किया जाएगा। यूपी में छात्रों को स्कूल आने के लिए उनके अभिभावकों की लिखित सहमति जरूर देनी होगी। बिना सहमति पत्र स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान भी तेजी के साथ चल रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि तीसरी लहर बहुत तेजी से आएगी। वहीं टीकाकरण अभियान उतनी तेजी से नहीं चल रहा है। खास तौर से 18 साल से नीचे उम्र के बच्चों के लिए फिलहाल टीका नहीं बना है और स्कूल में 18 से नीचे के ही बच्चे पढ़ते हैं, तो उन्हें कोरोना से सुरक्षित मान लेना बड़ी भूल ना साबित हो जाए। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से किसी तरह छात्रों की पढ़ाई जारी है। सरकार भी ये बात जानती है कि कभी न कभी तो स्कूल खोले ही जाएंगे, बस इसी के चलते ये फैसला किया गया है। लेकिन क्या 18 से नीचे आयु वर्ग के छात्रों और छात्र जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, वो किस तरह से कोरोना की तीसरी लहर से खुद को सुरक्षित करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। टेस्ट रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो देश में जहां एक तरफ कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है, जहां एक बार फिर से कोरोना की आहट देश में देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकारों ने एक अहम फैसला लिया है, जिस फैसले में अब बच्चों की जान दांव पे आ चुकी है। आपको बता दें कि इस राज्य सरकारों ने फैसला लिया है कि अब स्कूलों को 50% क्षमता के साथ खोला जाएगा। कई राज्य हैं जो आज से स्कूलों को खोलने की अनुमति दे चुके हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 16 अगस्त से कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के खोले जाने की अनुमति दे दी गई है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं डॉक्टर राजेश प्रजापति। तो सबसे पहले डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले राजेश प्रजापति जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं, जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण एक बार फिर से देश में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर बीते 24 घंटों की ही बात करें तो 40,000 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, वहीं लगातार तीसरी लहर को लेकर भी सरकार सतर्कता बरत रही है, ऐसे में क्या बच्चों का स्कूल खोला जाना सरकार का एक सही निर्णय है? धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। जो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पूरे केरला में और महाराष्ट्र में जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, हमारी जो दूसरी लहर आई थी इसमें भी हमने देखा था कि जो शुरुआत हुई थी केसेस की बढ़ने की, जो संख्या थी वो पहले महाराष्ट्र और केरला में बढ़े थे, उसके बाद पूरे देश में वो सेकेंड वेव फैल गई थी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो म्यूटेंट स्ट्रेन है, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट और म्यूटेंट्स की बात सामने आ रही है जीनोमिक सीक्वेंसिंग में, और जो अभी तक अवेलेबल साइंटिफिक लिटरेचर है वो भी ये बता रहा है कि जो डेल्टा वेरिएंट है ये पहले जो ओरिजिनल वुहान वायरस था उससे लगभग 40% ज़्यादा इफेक्टिव है। और अगर हम बात करें वायरल लोड की तो इन्फेक्टेड पेशेंट में जो वायरल लोड होता है लगभग 1000 गुना ज़्यादा होता है। तो कुल मिला के जो नए वेरिएंट हैं, म्यूटेशंस जो कोरोना में है, ये इसको पहले से ज़्यादा ट्रांसमिसिबल बनाते हैं, और इस लिहाज से अगर देखा जाए
क्योंकि बच्चों में हालांकि जो मॉर्टेलिटी है, मतलब जो मृत्यु दर रही है कोरोना से इन्फेक्ट होने के बाद, बच्चों में काफ़ी कम रही है, लेकिन क्योंकि बच्चे एक दूसरे से मिलेंगे, क्लासरूम जाएंगे तो इंटरेक्शन होगा, और इसकी वजह से बच्चे कैरियर का काम कर सकते हैं, जो वायरस वहाँ से ला के अपने घर में दे सकते हैं, बड़े बुजुर्गों को दे सकते हैं। और पहले भी क्योंकि हमारा जो मुख्य एम रहा है कोरोना में वो ये रहा है कि जो हाई रिस्क ग्रुप है, ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, जो किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त है, उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाए। तो ऐसे राज्य जिनमें हाई रिस्क ग्रुप में वैक्सीनेशन का परसेंटेज कम है, वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस नहीं खोले जाने चाहिए थे, अभी थोड़ा और धैर्य रखने की आवश्यकता थी। जी, तो डॉक्टर, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि एक तरफ कोरोना संक्रमण भी तेजी के साथ अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बीते 24 घंटों में ही 40,134 नए मामले रिकॉर्ड किए गए, वहीं 422 मरीजों की इस बीमारी से जान गई है, वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जब से अनलॉक की प्रक्रिया राज्यों में शुरू की गई है, एक बार फिर से लोगों के अंदर लापरवाही देखने को मिली है। लोग मास्क का उपयोग कम कर रहे हैं, लोग सैनिटाइजेशन की ओर ध्यान नहीं दे रहे, सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो नहीं की जा रही है। ऐसे में सरकारों का स्कूल खोलना और उसमें जो प्रोटोकॉल कहे गए हैं, उन प्रोटोकॉल का पालन क्या उनके लिए चुनौती नहीं होगी? जी बिल्कुल चुनौती होगी, क्योंकि आप जिस तरह से हम देखते हैं कि जो एडल्ट है हमारे, जो बड़ा एज ग्रुप है, वो कोरोना की गाइडलाइंस को ठीक तरह से फॉलो नहीं कर पाता, तो हम बच्चों से क्या उम्मीद करें कि बहुत ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे या फिर सैनिटाइजर्स का यूज़ करेंगे या बहुत ज़्यादा मास्क पहन के रखेंगे, क्योंकि बच्चों का इंटरेक्शन जब एक दूसरे से होगा, बच्चे खेलेंगे, क्लासरूम में स्टडी करेंगे, तो डेफिनेटली एक दूसरे में वायरस का ट्रांसमिशन होने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहेगी। जी, तो डॉक्टर, जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि सरकारें वैक्सीनेशन की ओर भी ध्यान दे रही हैं, वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये देखने को भी आया है कि कई ऐसे लोग हैं जिनके अभी तक स्लॉट बुक हो चुके हैं, पर बावजूद उसके उनको वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, कई सारे सेंटर्स हैं जहाँ पर वैक्सीन की कमी हो रही है। ऐसे में बच्चे जिन्हें स्कूल फिर से भेजा जा रहा है, उनके लिए अभी वैक्सीन तक नहीं बनी है, और इस पर भी संशय बना हुआ है कि आखिर बच्चों की वैक्सीन कब तक आती है, तो ऐसे में क्या उनकी जान को जोखिम में डालना इस वक्त सही है? अनुष्का जी, मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि बच्चों की इम्यूनिटी जो होती है वो एडल्ट्स के मुकाबले काफ़ी अच्छी होती है। बच्चों में लिम्फोइड टिश्यू होता है, टॉन्सिल्स होते हैं, थाइमस ग्लैंड्स होती हैं, और इन जनरल जो देखने में आता है कि कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो वायरल इन्फेक्शन होता है, ज़्यादातर बच्चों का इम्यून सिस्टम उसको डील करने में सक्षम होता है। और कोरोना में भी जो बच्चों की मॉर्टेलिटी या बच्चों में कोरोना इन्फेक्शन देखे गए वो लेस देन 0.01% थे, बहुत कम थे। तो जो बहुत सारे लोगों का ये मानना है या सोचना है जैसा कि थर्ड वेव अगर आई तो बच्चों के लिए बहुत प्राणघातक होगी, मुझे इसमें कोई बहुत वास्तविकता नज़र नहीं आती। हाँ, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से घुलते मिलते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग और भी जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है उनको ठीक तरह से फॉलो नहीं कर सकते, और हमारा क्योंकि देश ऐसा है कि हमारे स्कूलों में ओवरक्राउडिंग ज़्यादा रहती है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि जो स्कूल खोलने का निर्णय है, कम से कम जो प्राइमरी लेवल के स्कूल खोले गए हैं उनको अभी थोड़ा संयमित रहने की आवश्यकता थी। पहले जो स्कूल खोले जाने चाहिए थे, कोशिश करके जो कक्षा 5 से कक्षा 8 तक के, और उसके बाद कक्षा 8 से कक्षा 12 के, मतलब प्राइमरी और अबव प्राइमरी लेवल के, वो भी डिफरेंट आपको चाहिए था कि अलग अलग शिफ्ट में खोले जाते, ताकि जो एक साथ बहुत सारे बच्चे एक जगह पे इकट्ठा हों ऐसा ना होता। जी, तो डॉक्टर, जिस तरीके से इस वक्त निर्णय ले लिया जा चुका है, कई राज्यों में स्कूल खोले भी जा चुके हैं, पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड में स्कूल एक बार फिर से खुल चुके हैं। आज अगर हम बात करें पंजाब की, तो नर्सरी से 12वीं तक के सभी बच्चों को स्कूलों में आने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। ऐसे में स्कूल खोल दिए गए हैं, सरकार ने अपने गाइडलाइन भी जारी कर दी है, ऐसे में क्या कुछ सावधानियाँ और स्कूल प्रशासन को बरतने की ज़रूरत है जिससे संक्रमण की दर को और कम किया जा सके? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इस संबंध में स्कूल प्रशासन को एक ध्यान रखने वाली बात है कि वो जैसे जो नॉर्म्स हैं कोरोना के, जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसको बच्चों में सही तरीके से जैसे बोलते हैं समाहित करें, अपने जो शैक्षणिक सत्र है उसमें एक विशेष ध्यान दें। और मुझे लगता है कि जो केंद्र सरकार है, क्योंकि
हम अभी कोरोना के मिड फेज में हैं, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कोरोना के नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें ये जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसको आने वाले 1 से 1.5 साल तक फॉलो करने की आवश्यकता हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक अलग से मिनिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड सैनिटेशन, ये एक अलग से प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बच्चों को शुरुआत से ही इस बारे में शिक्षा दे सकें, ताकि और उनके जीवन शैली में परिवर्तन ला सकें, ताकि चाहे कोरोना चला भी जाए उसके बाद भी जो हाइजीनिक हैबिट है ये बच्चों में मेंटेन रहे, क्योंकि ये हमारे हाइजीन का पार्ट होता है कि अगर हम कुछ भी छूने के बाद अगर हम भोजन करने के पहले अपना हाथ नहीं धुल रहे हैं तो सही बात नहीं होती है। अगर हम बहुत ज़्यादा एक क्लोज कॉन्टैक्ट में आके बात कर रहे हैं बिना सांसों में कोई गैप, तो ये चीज़ें स्कूल स्तर पे स्कूल प्रशासन को इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा, और साथ में टीचर्स को भी इस बात पे ध्यान रखना होगा कि जो क्लासरूम्स हैं वो सही तरीके से वेंटिलेटेड हो, मतलब एयर कंडीशनिंग वाला क्लासरूम ना हो, जो क्रॉस वेंटिलेशन है मतलब हवा का एक तरफ से आने का रास्ता और दूसरी तरफ से जाने का रास्ता क्लासरूम में होना चाहिए। अगर इस प्रकार से वेल एरेटेड या सही प्रकार से हवादार बड़े क्लासरूम होंगे तो जो पर्सन टू पर्सन कोरोना ट्रांसमिट होने का जो रिस्क रहता है वो भी कम हो जाएगा। साथ में इस बात का ध्यान रखना होगा कि सभी बच्चे क्लासरूम में कक्षा की अवधि में मास्क पहन के रखें और सही प्रकार से अपने नाक और मुंह दोनों को ढकें। जी, तो डॉक्टर जिस प्रकार से लगातार आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर बहुत जल्द दस्तक दे सकती है हमारे देश पर, और वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि राज्य सरकारें नियमों में ढील देती जा रही हैं, अब एक बार स्कूलों को भी खोल दिया गया है, ऐसे में तीसरी लहर को लेकर क्या कुछ संशय बना हुआ है? आखिर तीसरी लहर को हमारे देश में आने में और कितना वक्त लग सकता है? देखिए, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है और बाकी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसका भी यही मानना है कि तीसरी वेव तभी आएगी भारत में जब उसे लाना चाहेंगे। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अभी कुछ जैसे बकरीद थी और केरल में उन्होंने रिलैक्सेशंस में ढील दी, उसके बाद से केसेस का नंबर बढ़ा। अच्छी बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से और सरकारों ने स्वतः भी संज्ञान लिया, मैं इस क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसके बारे में प्रशंसा करना चाहूँगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सही प्रकार से निर्णय लिया कि वो कांवड़ यात्रा का आयोजन नहीं कराएंगे। तो इस प्रकार से सम्मिलित रूप से जो सिविल सोसाइटी है मतलब जो जनता है उसको भी, और जो हमारे नियुक्ति निर्धारित करता है प्रशासनिक अधिकारी और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, इन सबको उनके भी प्रयास करना होगा कि कोई अननेसेसरी गैदरिंग या अनावश्यक रूप से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा ना हो। अनुष्का जी, इसके पीछे मैं जो आपको रीजन बताना चाहता हूँ वो समझिएगा जरा। जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है जी। जो डेल्टा वेरिएंट के बारे में बता दूं कि हमारे यहाँ जो अभी दूसरी लहर आई थी ये डेल्टा वेरिएंट की वजह से थी, और डेल्टा वेरिएंट में अगर 417N म्यूटेशन हो जाता है, K417N म्यूटेशन अगर हो जाता है तो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट हो जाता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि जो वायरल लोड है किसी भी इन्फेक्टेड व्यक्ति के अंदर, खास बात समझिएगा कि चाहे आपको कोरोना का टीका लगा हो या ना लगा हो, चाहे आप वैक्सीनेटेड हो या ना हो, आप वायरस का कैरियर बन सकते हैं। तो ऐसे लोग जो वायरस के कैरियर होते हैं या इन्फेक्टेड होते हैं उसमें जो डेल्टा प्लस वेरिएंट का जो वायरल लोड है वो लगभग 1000 गुना ज़्यादा होता है। साथ में N417 म्यूटेशन जो है कि इसकी इम्यून एस्केप मैकेनिज्म को, मतलब ये आपके अंदर जो पहले से बनी एंटीबॉडीज हैं उसको भी चकमा देने में हेल्पफुल होता है। तो कुल मिला के एक व्यक्ति अगर किसी लार्ज गैदरिंग में है और उसके अंदर कोरोना डेल्टा प्लस वायरस के वेरिएंट हैं जो कि ओरिजिनल वुहान चाइनीज वायरस से काफ़ी अलग है, 1000 गुना ज़्यादा वायरल लोड होता है और 40% ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, तो ये हज़ारों लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। और कोई भी एक इस प्रकार से लार्ज गैदरिंग, जिसको हम लोग अननेसेसरी लार्ज गैदरिंग बोल सकते हैं, वो सुपर स्प्रेडिंग इवेंट का काम कर सकती है। जी अनुष्का जी, दुर्भाग्य का विषय है जिस प्रकार से मैं आज और कल न्यूज चैनल्स पे देख रहा था कि बनारस में सोमवार के मौके पे, सावन के सोमवार के मौके पे बड़ी भारी मात्रा में लोगों ने लार्ज गैदरिंग्स की, जाके मंदिर में लाइन में लगे रहे बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के, और
आप देख सकते हैं कोई मास्क नहीं पहने हुए था। तो ये प्रकार से मैं इसे प्रशासनिक विफलता बोलूंगा, क्योंकि इस प्रकार के जो इवेंट है, इस प्रकार के जो आयोजन है, इनमें अगर कोई भी एक व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो हजारों को इन्फेक्ट कर सकता है, और ये थर्ड वेव के आने की बहुत बड़ी वजह बनेगी जी। तो मैं फिर कहूंगा कि जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी का कहना है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है वो पास के सेंटर्स को जाके वैक्सीन लगवाएं, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का, फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क का, उसका पालन करते हैं जी। तो डॉक्टर, बेशक आप जो आप बात कह रहे हैं वो बेशक सही है, जिस तरीके से सरकारें कहीं ना कहीं लापरवाह भी साबित हो रही हैं, लोगों को रोकने में भी वो विफल साबित हो रही हैं, ऐसे में स्कूलों का खोले जाना एक चुनौती भरा फैसला उनके लिए जरूर साबित हो सकता है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि ये फैसला कहीं एक बड़ी भूल ना सरकार के लिए बन जाए। तो ऐसे में डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि WHO की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, वहीं एक चेतावनी कह सकते हैं इसको, चेतावनी जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि एक नया सुपर वेरियंट, म्यूटेंट वेरियंट है जो आने वाला है, अगर वो देश पर अटैक करता है तो उससे हर तीसरे से तीन लोगों में किसी एक व्यक्ति की मौत होना निश्चित है। तो जिसको लेकर लगातार चेतावनी जारी की जा रही है और कहा जा रहा है कि सभी सरकारों को इसको लेकर सावधान रहना चाहिए कि वो वेरिएंट हमारे देश तक ना पहुंच पाए। तो उस वेरिएंट को लेकर क्या कुछ कोई जानकारी है आपके पास? जी अनुष्का जी, हम सबसे पहले बात करते हैं कि अलग अलग वेरिएंट क्या होते हैं। देखिए, कोरोना वायरस एक सिंगल आरएनए सीक्वेंस और साथ में प्रोटीन इनकैप्सुलेटेड वायरस है, और जिस फैमिली का ये कोरोना वायरस है, इस प्रकार के वायरसेस में म्यूटेशन बहुत तेजी से होते हैं। कई कई बार म्यूटेशन ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वायरस आपके इम्यून सिस्टम को चकमा देने में, या फिर आपकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है या जो रिसेप्टर है उससे अटैचमेंट की एफिनिटी उसकी बढ़ जाती है। इनकी वजह से क्या होता है कि वायरस एक नया स्वरूप परिवर्तित करके आ जाता है, और जो वायरस का नया स्वरूप है ये पिछले स्वरूप से काफी हद तक अलग होता है और काफी ज्यादा प्रभावी होता है। इसको हम लोग गेन ऑफ फंक्शन कहते हैं जी। इस मामले में अनुष्का जी, मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि 2006 में एक पेपर पब्लिश हुआ था जिसमें गेन ऑफ फंक्शन पे रिसर्च चल रही थी, और गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन जो थे इन पे वुहान का जो वायरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि US गवर्नमेंट द्वारा, अमेरिका द्वारा फंडेड था, उसमें रिसर्च चल रही थी, और इनका प्रयोग HIV की वैक्सीन बनाने में किया जाना था, क्योंकि और भी इस प्रकार के वायरसेस पे रिसर्च चल रही थी, लोग प्रयोग कर रहे थे, और किसी की भी गलती से कैसे भी करके वायरस लीक हो गया। अब क्योंकि वायरस नया है, साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए भी नया है, वैज्ञानिकों के लिए नया है, डॉक्टर्स के लिए नया है, तो हमें ये नहीं पता एग्जैक्टली कि इस पर किस प्रकार के म्यूटेशन होंगे, और हर म्यूटेशन पॉपुलेशन में यानी कि सामान्य नागरिकों में किस प्रकार से बिहेव करेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। तो फिलहाल के लिए जैसा कि WHO का भी मानना है कि अगर हम लोगों ने इस वायरस के चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक नहीं किया तो ये वायरस अपने आप को और तेजी से परिवर्तित करेगा, और हो सकता है कुछ समय बाद इस प्रकार का सुपर म्यूटेंट वायरस आए जो कि जो वैक्सीन द्वारा प्रोवाइडेड इम्यूनिटी है इसको भी चकमा दे सके। कहने का मतलब आपका जो वैक्सीन प्रोग्राम जिसकी जितनी भी एफिकेसी है ये सारी की सारी जा सकती है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि इस वायरस को हमें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। राज्य सरकारों को चाहिए कि जो इंटर स्टेट ट्रेवल होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि केरल में केसेस ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, तो ऐसे राज्य जहाँ पे केरल या महाराष्ट्र से लोग जा रहे हैं, या इंटर स्टेट एक राज्य से दूसरे राज्य में जब भी ट्रेवल हो तो RT-PCR तो करना ही चाहिए, साथ में जीनोमिक सीक्वेंसिंग करके भी देखनी चाहिए कि कहीं म्यूटेंट स्ट्रेन तो हमारे राज्य में नहीं आ रहा है, और अगर म्यूटेंट स्ट्रेन आ रहा है तो उसके और एग्रेसिव तरीके से उसमें कंट्रोल करना चाहिए, उसकी आइसोलेशन करना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए जी। तो बेशक इस वक्त राज्य सरकारों को ज़रूरत है अपनी गाइडलाइंस में और सतर्कता बरतने की, और ज़रूरत है कि लोगों को भी सावधान रहने की। तो डॉक्टर, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि लोग एक बार फिर से लापरवाह हो चुके हैं, तीसरी लहर की आहट एक बार फिर से देश में देखने को मिल रही है, लगातार सतर्कता के लिए राज्य सरकारें चेता रही हैं, बावजूद इसके लोग हैं कि वो लापरवाह होते जा रहे हैं, ऐसे में आप लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, लोगों से क्या कुछ अपील आप एज अ डॉक्टर करना चाहेंगे? अनुष्का जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने भारत के देशवासियों से अपील करना चाहूँगा
कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है और आने वाले 1 से 1.5 साल तक हो सकता है हमें संतुलित और संयमित आचरण का, व्यवहार का पालन करना पड़े, क्योंकि यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि एक स्ट्रेन से या एक लहर से हम बच गए, लेकिन आने वाली और भी लहरों से हम ना बच पाए। तो सबसे पहले तो आपको स्वयं को नियंत्रित करना होगा और इस बात का ध्यान रखना होगा कि गैर जरूरी वजहों से बाहर ना जाएं। बाहर जाएं भी अगर तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहन के रखें, और अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो प्रयास करें जो निकटतम केंद्र है उसमें जाके वैक्सीन लगवा लें। जी, साथ में मैं सरकार से भी अपील करूंगा कि कोई आवश्यक नहीं है कि जितना भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है पूरी तरह से सक्सेसफुल है। देखने में पहला भी जैसे हमें आया है कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है हर साल अपना स्वरूप बदल लेता है, और एक साल में जो वैक्सीन आपको मिली होती है अगले साल वो इम्यूनिटी चली जाती है। तो हमें सिर्फ वैक्सीन के आधारित अपनी लड़ाई को केंद्रित करके नहीं रखना चाहिए। हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, दुर्भाग्य से भारत अपना जो टोटल GDP है उसका 1.8% हेल्थ सेक्टर पे खर्च करता है और डिफेंस पे लगभग 20 से 24% खर्च करता है। तो ये देखा जाए तो एक बायोलॉजिकल वारफेयर है, एक ये जैविक युद्ध है जिसमें हमारे देश की जनता, हमारा पूरा देश और बाकी विश्व जिससे जूझ रहा है। तो ऐसे जैविक युद्ध में हमारा जो हथियार है वो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी हेल्थ की सप्लाईज हैं। जिस प्रकार से हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी हद तक लगभग 70% चाइना पे डिपेंड करती है जो आवश्यक दवाएं हैं उनके लिए, और जिस प्रकार से हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने देखा सेकेंड वेव में हमारे पास ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था नहीं थी, बेड्स की समुचित व्यवस्था नहीं थी, इस वजह से हम डेल्टा वेरिएंट की वजह से हमारे यहाँ मृत्यु दर काफी ज्यादा रही। तो इन सब चीजों को हम करेक्ट कर सकते हैं और एक ताकतवर तरीके से और एक सुदृढ़ मन से इसका मुकाबला कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, लड़ सकते हैं। जी, तो इस वक्त लोगों को जरूरत है जागरूक। तो डॉक्टर, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि जिस तरीके से इस वक्त बच्चों के स्कूल खोले जा चुके हैं, सरकार के SOP जारी हो चुकी है, वहीं जो अभिभावक हैं उनके अंदर एक डर बना हुआ है कि आखिरकार बच्चों को स्कूल भेजना क्या उनके लिए सही है या फिर ये एक गलत डिसीजन हो सकता है। ऐसे में देखा जा रहा है कि एडवाइजरी जारी की गई जिसमें बोला गया कि बच्चों को सैनिटाइजेशन उनका प्रॉपर किया जाएगा, स्कूलों को सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं लगातार देखा जाता है कि स्कूलों में जो सर्फेस होती हैं तो बच्चों को कई सारी ऐसी सर्फेस होती है जिन्हें टच करना पड़ता है, बुक्स होती हैं, स्कूल के कैंपस होते हैं, टेबल चेयर्स गेट हो गए। तो ऐसे में बच्चों के साथ में आप एडवाइजरी तो पूरी तरह से फॉलो उनको नहीं करा पाएंगे, तो ऐसे में क्या अभिभावकों को जरूरत है, क्या कुछ ऐसे सतर्कता हम लोग बरत सकते हैं जिनसे हम बच्चों की सुरक्षा स्कूल में कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे काफी छोटे होते हैं, उनको समझाना इतना आसान नहीं होता। तो ऐसे में क्या कुछ जो अभिभावक हैं उनको कुछ मतलब प्रिकॉशंस बरतने होंगे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी अभिभावक है, क्योंकि मैं स्वयं एक 4 साल के बच्चे का पिता हूँ और जब से मेरी बच्ची का एडमिशन हुआ है उसके बाद से लगातार वो, क्योंकि कोरोना चल रहा है, पहले फर्स्ट लॉकडाउन, फिर सेकेंड लॉकडाउन, उसके बाद फिर सेकेंड वेव, और तब से वो स्कूल नहीं जा पाई। अनुष्का जी, मुझे लगता है कि जो बच्चे होते हैं उनका जो समुचित विकास होता है, जैसे हम होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं या समग्र विकास जो होता है, वो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन पे या पीयर लर्निंग पे या जैसे बोलते हैं इंटरेक्टिव लर्निंग, उस पर डिपेंड करता है। तो लर्निंग के लिए ये बहुत आवश्यक है कि बच्चों का एक दूसरे से इंटरेक्शन हो, जो वास्तविक स्कूल का माहौल होता है उसमें बच्चे जाएं और डायरेक्ट इंटरेक्ट करके अपने शिक्षकों से सीखें। लेकिन जो कोरोना का माहौल बना है, जिस प्रकार से लोग डरे हुए हैं, इसको देखते हुए हर माँ बाप की ये चिंता होती है कि बच्चा स्कूल जाएगा, इसको इन्फेक्शन ना हो जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबकी सांत्वना के लिए बताना चाहता हूँ कि देखिए, बच्चों में जो कोरोना अफेक्शन है, पोस्ट कोरोना अफेक्शन या कोरोना से जो मॉर्टेलिटी है वो काफ़ी कम है, मृत्यु दर काफ़ी कम है, और कोरोना से बहुत ज़्यादा कोई खास नुकसान होने की आशंका बच्चों को नहीं है। तो आप लोग धैर्य रखिए। हाँ, बच्चे कैरियर का काम कर सकते हैं और वो जो वायरस को बाहर से लाएंगे वो आपको दे सकते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ चीज़ें बोलूँगा कि जब बच्चे बाहर से आए तो थोड़ा उसका ध्यान रखिए,
जैसे बच्चे जब स्कूल से लौट के आ रहे हैं तो आप उनसे बोलिए कि पहले अपने हाथ को साबुन से धुल लें। बहुत ज्यादा सैनिटाइजर का इस्तेमाल बच्चों पे मत कराइए, बच्चों को सैनिटाइजर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की हैबिट मत दीजिए। मैंने देखा अक्सर टीचर्स और माँ बाप के लिए आसान होता है कि सैनिटाइजर की बॉटल रख दी बच्चों के बैग में और ले जा रहे हैं। देखिए सैनिटाइजर अगर आप बहुत ज्यादा, बच्चों की त्वचा मुलायम होती है जी, अगर आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उसकी वजह से ड्राइनेस हो सकती है और भी कई प्रकार से त्वचा से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। तो बच्चे जब बाहर से आए तो उनको हैंड वॉश कराइए। जो एक्सटर्नल क्लीनिंग होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल डिकंटेमिनेशन, मतलब जो बाहर से वायरस ऐसा जो आया होगा जो आपके शरीर पे चिपका होगा, उसको क्लीनिंग के लिए साधारण रूप से किसी भी सोप से और वाटर से उनका फेस वॉश करा दीजिए। हाँ, जो दूसरा कंसर्न आपने बोला कि बच्चे जब बाहर जाते हैं स्कूल में तो गेट को टच करते हैं, डेस्क को टच करते हैं, बुक्स को टच करते हैं, तो एक स्टडी में भी जो WHO की स्टडी है उसमें भी ये प्रूव हो चुका है कि सरफेस कंटामिनेशन का मतलब किसी सतह को छूने के बाद जो वायरस ट्रांसमिट होने का जो खतरा होता है वो बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। और जो मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन का है कोरोना वायरस का, इसको हम लोग एयरबॉर्न बोलते हैं, मतलब एरोसॉल, एयरबॉर्न, कि अगर किसी व्यक्ति ने मास्क नहीं पहन रखा है और वो इन्फेक्टेड है तो वायरस को अपने शरीर से निकालेगा। और ये जो डेल्टा वेरिएंट है इसमें तो 1000 गुना ज्यादा वायरल लोड होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी हम स्कूल में स्कूल कॉलेजेस शुरू करते हैं तो हर बच्चे को इस प्रकार की जानकारी दी जाए कि नहीं, आपको मास्क पहन के रखना है, और यदि आप किसी ऐसे जगह पर हैं जहां आपके आसपास काफी ज्यादा लोग हैं तो मास्क जरूर पहनिए। अदरवाइज अगर आप 1 मीटर से ज्यादा की डिस्टेंस पे हैं तो आप मास्क उतार सकते हैं, बात कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेश प्रजापति हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो हमने आज जाना किस प्रकार से बच्चों को इस वक्त कोरोना से बचाया जा सकता है, जहां एक तरफ लगातार वैक्सीनेशन सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण एक बार फिर से तेजी से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर केरला और महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर बहुत अधिक मात्रा में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार ये अंदेशा लगा रही है कि अगर इसी प्रकार से लापरवाही बढ़ती जाएगी तो कोरोना की तीसरी लहर बहुत जल्द हमारे देश में दस्तक दे सकती है। और इसी बीच एक बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश से सामने आई, जहां 16 अगस्त से स्कूलों को एक बार फिर से खोले जाने की अनुमति को प्रदान कर दिया गया है। ऐसे में लोगों के लिए एक बड़ा संशय बना हुआ है कि कहीं सरकार का यह फैसला सही साबित होता है या फिर यह कहीं फैसला एक बड़ी भूल बनकर ना साबित हो, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।